हाय, तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी अकाउंट जो टेम्परेरी डिसकनेक्टेड हो चुका है उसे रिकनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट आईडी डालनी है और सर्च पे दबा देना है। सर्च पे दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके कंट्रोल सेंटर होम पेज पर आ चुकी है। अगर आपको जानना है कि यह अकाउंट पहले से डिसकनेक्टेड है टेम्परेरी या नहीं, तो आपको जाना है यहाँ से प्रिमाइस में। प्रिमाइस में जाके सर्विस पॉइंट और सर्च सर्च पर दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि सर्विस पॉइंट स्टेटेड डिसकनेक्टेड टेम्परेरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पोल है। तो अब हम इसे रिकनेक्ट करेंगे। आप यहां से अकाउंट से जा सकते हैं गो टू केस और यहां पर ऐड पे दबाइए। ऐड पे दबाने के बाद अब आपको सर्च करना है यहां पर रिकनेक्शन और सर्च पर दबाइए। दबाने के बाद केस टाइप पर नीचे ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए कस्टमर रिक्वेस्टेड रिकनेक्शन आफ्टर टेम्परेरी डिसकनेक्शन। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हैं अकाउंट की सारी रिलेटेड डिटेल्स। नीचे आकर यहाँ पर सेव पर दबाइए। सेव पर दबाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा केस इनिशिएट हो चुका है। तो यहाँ पर क्रिएट रिकनेक्शन चार्जेस, रिकनेक्शन चार्जेस क्रिएट करने के बाद अब आपको एक बार रिफ्रेश पर दबाना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ साइकिल बिल जनरेटर आ जाएगा। इस पे ओके पे दबाइए। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं, जैसे 300 रुपये आ गए हैं आपके रिकनेक्शन चार्जेस। उसके ऊपर जितनी जीएसटी हमारी लगती है, SGST, CGST, उन्हें भी सिलेक्ट कर लीजिए प्लस पर दबाकर। अब नीचे आइए और इसे यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे कि ऑफ साइकिल बिल को कुछ चेंज करना है, एडिट करने के लिए, डिलीट करना है। अभी हमें इसे कंप्लीट करना है। ये हमारा ऑफ साइकिल बिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप हिस्ट्री से जा सकते हैं हमारे केस के ऊपर। अब एक बार फिर से यहाँ पर रिफ्रेश पर दबाइए। अब हमें यहाँ पर दबाना है इनिशिएट फील्ड एक्टिविटी। अब एक बार यहाँ पर हमें रिफ्रेश दबाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलर्ट्स में हमारी फील्ड एक्टिविटी पेंडिंग आ गई है। इस पे क्लिक करना है। अब हमारी जो पेंडिंग एक्टिविटी रहेगी साइट विजिट फॉर रिकनेक्शन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फील्ड एक्टिविटी आईडी पे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा, उधर क्लिक करना है। नीचे आकर यहाँ पर फील्ड अपलोड स्टेजिंग पे जाके ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें कोई भी कमेंट दे देना है, जैसे ओके। स्टेप्स पे आना है। अब हमें यहाँ पर इसकी स्टॉक लोकेशन डालनी है, जैसे ये PVBNL का अकाउंट था, और कंप्लीट पर क्लिक कर देना है। एक वार्निंग आएगी, इसे ओके पर दबा देना है। ये आपकी फील्ड एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका रिकनेक्शन वाला केस दिख रहा है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ हिस्ट्री से भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से अलर्ट वाले ऑप्शंस में से जा रहे हैं इस बार। एक बार फिर से रिफ्रेश करना है।
अब हमारा पेंडिंग साइट विजिट फॉर ये, क्योंकि हमें पता है एक मीटर्ड अकाउंट था, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मीटर रिलेटेड डिटेल्स डालनी है, जैसे कि उसका सीरियल नंबर 6 3, मीटर रीड कितनी रीडिंग थी उस टाइम पर जब उसे रिकनेक्ट किया गया, और डेट कब उसे रिकनेक्ट किया गया, जैसे मैं आज की डेट पे रिकनेक्ट कर रहा हूँ उसे 2023। इसे हमें सेव पर दबाना है। अब हमें फिर से यहाँ पर पेंडिंग साइट विजिट फॉर मीटर्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक क्लोज फॉर डिस्कनेक्शन हैज बीन रिमूव्ड स्टेटस में, और कनेक्ट सर्विस पॉइंट एंड क्लोज द केस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस द रिकनेक्शन ऑफ द केस हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपको फिर से चेक करना है कि रिकनेक्टेड हुआ या नहीं है अकाउंट, तो प्रिमाइस में जाके सर्विस पॉइंट पे सर्च सर्च के बाद आप देख सकते हैं कि पहले ये टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड था, अब ये सर्विस में आ चुका है। तो ये था एक रिकनेक्शन का केस। थैंक यू सो मच।